दोस्तों, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, लेकिन दोस्तों, राम मंदिर के जो रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं, वो आपके होश उड़ा देंगे। क्या आपने सोचा भगवान राम की मूर्ति काली क्यों है, या गर्भगृह में मूर्ति के पास तांबे का पाइप क्यों लगाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, गर्भगृह में 2000 फीट नीचे क्या छुपाया गया है? यदि आपके दिमाग में भी ये सभी सवाल हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक किया है। दोस्तों, राम लल्ला की खूबसूरत मूर्ति हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कई सारे लोग यह सोच रहे हैं कि भगवान राम के बाल स्वरूप की यह मूर्ति काली क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण में भगवान राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें राम को श्याम यानी काले रंग का बताया गया है। इसी वजह से मूर्ति का रंग भी काला है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि मूर्ति शालिग्राम से बनाई गई है, जो काले रंग का होता है। और इस मूर्ति को बनाने के लिए कोई और दूसरा पत्थर या धातु इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि अपने आप में ही अद्भुत बात है। दोस्तों, हर जगह यह बात चल रही है कि राम मंदिर में लोहा स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों, यह बात पूरी तरह से सच है। और राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ ताकि मंदिर की आयु लंबी हो और बार बार मरम्मत की आवश्यकता न पड़े। जानकारी के मुताबिक मंदिर की छत पर पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सालों साल चलता रहे, क्योंकि तांबा लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अगले रहस्य की बात करें तो वह गर्भगृह से जुड़ा हुआ है, जहां मूर्ति के पास तांबे का पाइप लगा है। इसके पीछे का तर्क है कि गर्भगृह में मूर्ति को जमीन से जोड़ने के लिए तांबे का पाइप लगाया जाता है, ताकि ऊर्जा का संचार होता रहे। दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। आखिर गर्भगृह में 2000 फीट नीचे क्या छुपाया गया है? दरअसल मंदिर के बनने से पहले गर्भगृह में 2000 फीट की खुदाई की गई और उसके नीचे कैप्सूल दफनाया गया। उस कैप्सूल के अंदर रामायण से जुड़ी चीजें मौजूद हैं, जो लाखों सालों तक सुरक्षित रहेंगी। यह एक ऐसा कैप्सूल है जो परमाणु बम से लेकर प्राकृतिक आपदा तक हर एक चीज को झेल सकता है। इस तरह के टाइम कैप्सूल इसलिए जमीन में गाड़ा जाता है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपदा आ जाए तो टाइम कैप्सूल की मदद से पुराने समय की सारी जानकारी मौजूद रहे। और ऐसा ही कुछ राम मंदिर के साथ भी किया गया है। राम जन्मभूमि में बने इस मंदिर के गर्भगृह में टाइम कैप्सूल छुपाया गया है, जो उसके अस्तित्व को पृथ्वी के विनाश तक सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, राम मंदिर सालों साल चलता रहेगा, यह तो आप भी जान ही चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, बल्कि भगवान राम की मूर्ति भी इसी तरह सालों साल चमकती रहेगी? क्योंकि मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है, उस शालिग्राम पत्थर की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, भगवान राम की मूर्ति को जब आप गौर से देखेंगे, तो उसमें विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। भगवान राम के भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि भगवान राम की मूर्ति को खड़ी अवस्था में क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि मूर्ति इसलिए खड़ी अवस्था में है ताकि राम मंदिर में आए भक्त दूर से अपने प्रभु के दर्शन कर पाएं। इसलिए मूर्ति इतने विशालकाय खड़ी अवस्था में बनाई गई। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने भगवान राम की शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति को देखा भी होगा और उसकी प्रशंसा भी खूब की होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है इस खूबसूरत मूर्ति को बनाने वाले शख्स का नाम क्या है? यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। दोस्तों, अरुण योगी राज ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब वह भगवान राम की मूर्ति बना रहे थे, तो हनुमान जी लगातार अपने प्रभु की मूर्ति देखने आते थे। जी हाँ, वानर का रूप धारण करके हनुमान जी हर रोज 4 से 5 बजे के बीच में उस जगह पर उपस्थित हो जाते थे, जहाँ अरुण मूर्ति तैयार कर रहे थे। एक दो दिन तो अरुण को लगा शायद यह कोई साधारण बंदर होगा, लेकिन जब यह चीज लगातार होने लगी, तो मूर्तिकार अरुण योगीराज को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि बंदर के रूप में हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं, और वह सबसे पहले अपने प्रभु को देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब अरुण मूर्ति बना रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कई सारी अविश्वसनीय चीजें महसूस की। उन्हें मूर्ति बनाते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान राम साक्षात उनके सामने हैं। हालांकि अरुण ने इससे पहले कई सारी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस तरह का दिव्य एहसास उन्हें आज तक कभी नहीं हुआ। यहां तक कि अरुण यह भी कहते हैं कि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, तब तक सब कुछ सही था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति गर्भ में स्थापित हुई, तो उसके बाद उनका राम लल्ला की मूर्ति को देखने का नजरिया ही बदल गया।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह उनका काम है ही नहीं। इतनी खूबसूरत और दिव्य मूर्ति उनके हाथों से नहीं बनी। इस तरह का एहसास इंसान को तभी होता है जब किसी चीज में साक्षात भगवान समा जाए, और अयोध्या के राम मंदिर में भगवान समा गए हैं। बाकी आप भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें, और मंदिर के रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा यह भी हमें बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।